दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12x30 का होम डिजाइन। पूरा आप देख सकते हो, ये मॉडल आपको दिख रहा होगा, पूरा 12x30 में बना हुआ बेहतरीन सा मॉडल। आप इसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा, कितना गैलरी दिया है, कितने रूम्स बने हैं, कितना बाई कितने किचन बाथरूम है, पूरा 3D एंड 2D मॉडल आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो वहाँ पे मैंने दो फ्लोर बनाया दोस्तों, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, यहाँ पर टोटल 3 फ्लोर बने हैं। अगर इसको मैं ट्रांसपेरेंस करके आपको दिखाता हूँ ये तो अभी, तो आप ट्रांसपेरेंस पे ऐसा देख पाएंगे, पूरा मॉडल आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ से देख लो। या नीचे का फ्लोर आपको, ग्राउंड फ्लोर ये है, फर्स्ट फ्लोर ये, थर्ड में मैंने हाफ बनाया दोस्तों, पूरा नहीं बनाया, वो अपने आप से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये पूरा आपका प्लान बन के तैयार हो जाता है 12x30 में, तो पूरा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट बाई फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हो तो आप देख सकते हो ये मॉडल अभी ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, दीवारें यहाँ पे अभी ट्रांसपेरेंट कर दी है मैंने। अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ, कितना बेहतरीन सा मॉडल आप देख सकते हो। ये आपका सपनों का घर 12x30 में बना है। तो इसका जो हम चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों, ये चौड़ाई है 12 फिट ये टोटल, और अगर लंबाई की बात करें यहां से यहां तक लेकर ये है पूरा 30 फिट। तो पूरा डिजाइन आप देख सकते हो ये। तो सबसे पहले मैंने इसमें दिया आपको एक फ्रंट गेट और ये खिड़की विंडो दे रखी है, ये खिड़की। अब मैंने एक ये पार्टीशन किया, देखना समझना दोस्तों। ये टोटल पार्टीशन की अगर हम बात करें तो ये यहां पर मैंने 8 फिट का दे रखा है, टोटल यहाँ पे अंदर की चौड़ाई बात करें 8 फिट है, टोटल 30 का है तो अप्रोक्स 1 फिट में दीवारें हो जाएंगी, तो 29 फिट बचेगा। तो मैंने 8 फिट ये वाला पार्टीशन कर रखा है, और इस वाले पार्टीशन की बात करें तो मैंने यहां पर ये 10 फिट का पार्टीशन ये निकाल रखा है दोस्तों, और ये टोटल 9 फिट का ये है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा 10 फिट का है, ये 9 फिट का है, ये 8 फिट का। तो 8 फिट का तो आपका एक बेहतरीन से बेडरूम पीछे निकल आएगा, आप देख सकते हो। जो मैंने 10 फिट मैंने क्यों निकाला, इसका रीजन है क्योंकि यहां पर अगर यहां पर मैंने ये आपका किचन बना रखा है, ये बाथरूम आप एडजस्ट कर सकते हो या रिप्लेस भी कर सकते हो, इसको किचन बना सकते हो, इसको बाथरूम। तो मैंने यहां पर ये इसमें जो किचन है यहां से अंदर से भी आ सकते हो आप, यहां भी गेट एक देख सकते हो। और बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में मैंने सिर्फ यहीं से गेट आपको दे रखा है, ये मेन दरवाजा आप देख सकते हो, ये मेन डोर है, और जैसे आप यहां से एंट्री करेंगे तो ये टोटल की बात करें तो ये दोस्तों लगभग ये आपका पड़ जाता है 6 फिट, ये 6 फिट का यहाँ पे चौड़ाई, और ये आपका 5 फिट का गैलरी बच जाता है। टोटल 12 था तो 6, 5, 11 एक फिट में मान लो दीवारें बन जाएंगी, तो ये टोटल 6 फिट। अगर हम बात करें इनकी, ये 6 फिट यहाँ है, 5 फिट ये है, मतलब 6x5 का आपका किचन और बाथरूम निकल आता है। ये 5 फिट का गैलरी है, आप यहां से एंट्री करेंगे अंदर, और ये आपका टोटल 9x11 का बड़ा सा हॉल निकलेगा। यहां पर आपको सीढ़ी दे दिया मैंने 3 फिट का, और ये आपका एक रूम है और ये खिड़की है। अगर हम दोस्तों लेटरिन की बात करें तो आप अपना लेटरिन इस सीढ़ी के नीचे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ बनवा सकते हो। तो मैंने यहां पर बनाकर दिखाया नहीं, तो ये तो होगा पूरा ग्राउंड फ्लोर की बात। अब मैं ले चलता हूं आपको फर्स्ट फ्लोर पर। देखिए फर्स्ट फ्लोर को मैं सामने से पहले आपको दिखा देता हूं, फर्स्ट फ्लोर आपको ऐसा दिखने वाला। मैंने थोड़ा यहाँ डिजाइनिंग कर रखा है, यहाँ पर राउंडेड मैंने एक विंडो दे रखा है, राउंडेड विंडो आप देख सकते हो, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा। अगर अंदर की बात करें तो सेम टू सेम जैसा पीछे बेडरूम बना था वो तो बिल्कुल 9x11 का ही आपका निकल आता है, और बिल्कुल सेम पार्टीशन मैंने 3 उसी तरीके से करें, बस आपका यहाँ पे जो किचन बाथरूम था ये हटकर आपका बेहतरीन सा बड़ा सा बेडरूम एक निकल के आ जाता है। और यहाँ पर मैंने ये बालकनी दे रखी है, आप देख सकते हो अप्रॉक्स 2.5 फुट की बालकनी आप यहाँ पे टहल सकते हो, यहाँ पर गेट भी लगा रखा है, और ये राउंडेड खिड़की मैंने दे रखी है। तो ये पूरा प्लान आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बता दूं आपको, ये 3 पार्टीशन, ये 8 फिट का है और ये 10 का है, ये 9 का है टोटल। तो आप यहाँ पर आप बेड या सोफा जो भी चाहे उसी पर्पज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अब मैं ले चलता हूँ आपको लास्ट फ्लोर पर, मतलब कि सेकेंड फ्लोर पर। देख सकते हो मैंने बस सेम टू सेम एक बेडरूम बना दिया है, और ये जीने को मतलब कि इसमें पानी न जाए इसलिए मैंने दीवारें करके इसको ऊपर, देखिएगा आप, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, छत डाल दी है जिसमें आपका पानी ना जाए, और यहाँ पर मैंने एक विंडो दे दिया है जीने के लिए जिसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप जैसे यहाँ पर विंडो है, आप रूम के अंदर भी एक दोस्तों विंडो दे सकते हो, यहाँ पर अगर देना चाहो यहाँ पर एक विंडो दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जीने से खुला है, नीचे से ऊपर तक जीना है तो यहाँ से हवा आपके पहुंचती रहेगी। और ये पूरा मैंने ये सिस्टम पूरा खाली छोड़ रखा, आप यहाँ बनवा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, मैंने पूरा सारी चीजें नहीं बनाई है। तो आप अगर इस मॉडल को देखो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो आपको ऐसा दिखने वाला है। आप देख सकते हो फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर की बात करें। और मैं आपको फिर से एक बार ट्रांसपेरेंट करके टोटल दिखा देता हूं। तो ये मॉडल आपको दोस्तों कैसा लगा, या आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंसी में और बेहतरीन दिखता है। आप ट्रांसपेरेंट करके देख सकते हो, यहाँ पर चारों तरफ से सारी दीवारें हाइड हो जाती है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और आपका ऊपर से नीचे तक पूरा मकान दिखता है।
तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप कोई मॉडल चाहते हैं, आपका कोई स्पेशल मॉडल है कि आप मुझे इस टाइप का मॉडल सर बना के दें 15x20 या 50x30 जो भी मॉडल आप चाहते हैं, तो उसका मुझे कमेंट करें कि सर मुझे ये मॉडल चाहिए, मैं उसको बनाकर आपको दे दूंगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हेल्प इन सॉरी टेक न्यू टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं 3D होम डिजाइनिंग से। आप देख सकते हो 10x30, 20x35, 15x30, 11x22, 15x42 बहुत सारे मॉडल आपको पड़े हैं, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देख सकते हैं और आराम से आप उसको अपने घर का डिजाइन दे सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं आपसे गुजारिश एक और करूंगा, मैंने एक न्यू टेक नाम से फेसबुक पेज बना रखा है दोस्तों, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी फॉलो कर लें। वहां जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आपको एक फॉलो बटन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे मेरे लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो आप लगातार फेसबुक पर भी पाते रहें, क्योंकि मैं यहां पर फेसबुक पर भी लगातार सारी वीडियो अपडेट करता रहता हूं जिसमें आपको दिक्कत ना हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और ये मॉडल आपको पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों।